क्या हुआ आपके साथ? बता का आदमी को दोगे? हमारे ले गए, जी के मार डाला, भाला कुल्हाड़ी लिए थे सब लोग, किसने मारा? लो दिनों ने मारा है। अच्छा, तो कितने बाद, कितनी रात में? रात कितनी में, देर दिन में, आया दिन में में? 5 साढ़े 5 बजे करीब। अच्छा, तो किस बहाने से लवा गए? किस बहाने से ऐसे लवा गए, चल कह रहे थे चलो इधरी पास ही पे घर से बांध के ले ले गए, गए हैं बांध बोला के पास खींच से के ले गए इधर ही मिला घर से जने ले आते गए। 20 जन, 20-25 जने आते दुकाने गाँव ले गए, तो। उनको कह रहे थे चलो क्या दिन। नाम था? कमल कुमार। कमल कुमार। हाँ को आदमी कमल क्या करते थे वो? करते थे, काम करते थे। पापा थे हमारे, नाम क्या है? रिंकी हमारा नाम पूछा है। क्या हुआ? हमारे पापा को ले गए थे यहाँ से लोग, कुछ लोग आए थे यहाँ से घसीटते हुए ले गए थे अच्छा, उनको, बांध के छेड़ाछाड़ी मारा की हमें, मोड़ी के साथ, छेड़ाछाड़ी की हमारी दीदी के साथ, हमारे साथ पहले 4-5 दिन पहले। आपके साथ भी? हाँ हम दोनों लोग थी, अच्छा चलो, और कुछ? हम उसमें लेट्रीन फर्जी होने तरीके गए से थे हाँ इधर ही हमें पास हमें है। न्याय मिलना चाहिए, मतलब मुझे सजा मिले कहाँ, माने सजा नहीं फांसी, मिलना फांसी से सजा चाहिए, कम का होती, उनको फांसी नहीं तो हम दिलाओ जीते बस। जीते मर जाएंगे। ये कल 6 बजे निकला था हाँ घर फिर से, बीड़ी माचिस लेने गया था। अच्छा वहाँ 10 लोग लगे थे अच्छा छुपे हुए, रोड ही में की बात है। अच्छा इन 10 लोगों ने पकड़ के झींक लिया, अंदर ले गए बसीकत में। बस्ती के अंदर एक मकान है, मकान के अंदर बाहर द्वार एक पेड़ का पेड़ है, उस पेड़ में बांध के इन 10 आदमियों ने मारा है। उसमें है राकेश गुप्ता, गुलाब लोधी, राजेंद्र प्रधान और स्वतंत्र, मैं रामकृपाल, धीरेन, करण, चतुर सिंह और लखन, 9 आदमी थे। तो ये मतलब किस चीज से मारा ये गया है? इस चीज से कि छेड़खानी हुई थी इतवार के दिन अच्छा 7 बजे, इनने की थी बीरेंद्र ने और नीतू ने और गोविंद जानी नाम है, इनने अकड़ के जबरदस्ती की। उसने चांटा मारा 2-3 ढैया मेरे भाई आपकी ने। आपकी लड़की के साथ छेड़खानी की थी हाँ, क्या? मेरी लड़की के साथ छेड़खानी की थी, अच्छा मेरे भाई ने 2-3 चांटा मारा उसे, ठीक। और चांटा मारने के बाद ये घात हो गई है। फिर एक दिन बाद ये 8 तारीख मृतक को, मृत्यु हो गई। हाँ उसकी उसका मृत्यु नाम हो, क्या था कमल कुमार, आपका? मेरा अरविंद कुमार, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा वो क्या करते थे? ये खेती का काम करता था। और उसके लड़के बच्चे थे कितने? हाँ, उसके एक बच्ची है बड़ी, 18 साल की, पूजा है, अच्छा और दूसरे नंबर का 12 साल का लड़का है नरेन, अच्छा तीसरे नंबर की लड़की है 8 साल की, खुशी नाम है उसका। ठीक। और उसके साथ कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी पुरानी रंजिश थी, अच्छा 1995 में मेरा भाई मारा गया था। अच्छा एक और भाई मारा हाँ, गया था दो भाई आपका, मारे गए, इसी परिवार, इसी ने मारा है। इसी ने मारा हाँ, है, इसी ने मारा है। उसका दो, नाम क्या है जिसने मारा है? ये स्वतंत्र है, अच्छा राम किस चीज कृपाल, से मारा गया? कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी, भाला, भाला ठीक। लाठी, 3 चीजें पकड़ी गई थी वहाँ बरामद में। अच्छा मौके में पुलिस पहुंची? हाँ, 100 नंबर गई थी, अच्छा 100 नंबर ने वहां से फिर उठा के लाए मुस्करा, हाँ। मुस्करा से रिफंड कर दिया हमीरपुर को बीमार जब के। मुस्कुरा रेफर अस्पताल में किया था आपको, सरकारी अस्पताल हाँ में, जी, जब बोल रहा था भुवन, हाँ बोल रहा था। फिर कैसे हुआ इसके बाद एक्सपायर? जब हम उस बीमार के पास पहुंचे तो फिर हम सोच रहे थे कि ये बेहोश हो गया, बेहोश नहीं, वो खत्म हो गया। तो इसने कुछ बयान दिया आपको किसने मारा? उसने बता ये सब दिया है। ठीक। अब हमारी इसकी आगे कार्रवाई ऐसा है कि ये तो मीडिया वाले कर सकते हैं जैसा भी करें, क्योंकि मैं तो दे रहा हूँ आपको आदेश, जैसा है आपकी इच्छा हो, चलो सरकार का आपके इसमें भाजपा की ये सुनती है या नहीं सुनती, आप दिखाइए, देखे सरकार क्या कहे। बिहुनी गांव के रहने वाला अरविंद कुमार सन ऑफ लेट श्री शिव सहाय तिवारी, इनके द्वारा थाने के उपस्थित होकर ये एप्लीकेशन दिया गया है। इनके भाई कमल कुमार तिवारी सन ऑफ लेट शिव सहाय तिवारी के साथ गांव के ही 6 लोगों ने मारपीट किया है, और मारपीट की वजह से रात में ही
था, इनकी भाई की मृत्यु हो गई। इसी सूचना के आधार पर पुलिस 302 आईपीसी के सेक्शंस में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहे हैं। पोस्टमार्टम का कार्रवाई किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को अंतिम संस्कार है तो इनकी बॉडी दिए जाएंगे। मौके पर गिरफ्तारी है तो दो टीमें बनाई गई हैं। शांति व्यवस्था है तो गांव में भी सुरक्षात्मक पुलिस बल डिप्लॉय किए गए हैं। पता चल रहा है पहले से इनके आपस में किसी बात को लेकर रंजिश रहा है। मृतक कमल कुमार तिवारी जो है अभी 3-4 महीने पहले 307 आईपीसी के मुकदमे में जेल गए थे, उसे जेल से छूट के आए थे। तो पूरा प्रयास किया जा रहे हैं कि आगे कोई और मामला बढ़ ना जाए और जल्द से जल्दी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो जाए। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।